स्क्वाडर रैबिट 1.6 डीजल इंजन है, ये 77 किलोवाट का इंजन है ये। तो अभी इसकी सर्विस करेंगे हम, नॉर्मल सर्विस होगी इसकी। तो अभी चेक करते हैं इसका इंजन ऑयल, इंजन ऑयल चेक करते हैं इसका। तो ये देखो इंजन ऑयल ठीक है, लेवल ठीक है, काला तो हो ही जाता है, डीजल का इंजन ऑयल है, पर अभी ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। और अभी लीकेज वगैरह भी चेक हो जाएगी सारी, कूलेंट चेक हो जाएगा। ये कवर है, इंजन कवर, इसको मैंने निकाल लिया है। और तो अब इसका ये फ्यूल फिल्टर है और वो एयर फिल्टर, ये है ऑयल फिल्टर। इसको फिल्टरों को चेंज करेंगे, एक अंदर है केबन फिल्टर है, वो जो एसी फिल्टर जिसको बोलते हैं वो भी है, उसको चेंज करेंगे, सारे फिल्टर चेंज हो गए। अभी मैं खोलता हूँ इसके एयर फिल्टर को, तो अभी निकालता हूँ मैं एयर मास सेंसर का कपलर निकाल देता हूँ, अब इसका फिल्टर खोलता हूँ। इसमें 6 पेंच होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ, ये देखो कितना गंदा हो रहा है। तो अभी मैं इसका सफाई वगैरह करेंगे, इसमें एयर गन से सफाई करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है, ऐसे तो फिल्टर लगाना ठीक नहीं है, साफ करके ही लगाएंगे। और इसके बाद अब देखो, अब मैं इस यहाँ से इसका इंजन ऑयल खोल दूँगा, ठीक है। इंजन ऑयल निकलता रहेगा अपना, जब तक हम फिल्टर चेंज करेंगे इंजन ऑयल निकलता रहेगा। ये ऑयल फिल्टर है, ये इंजन ऑयल का फिल्टर है, तो इसको भी चेंज करेंगे। ये जैनमन है, सारे पार्ट हमारे, सब जैनमन पार्ट लगा रहा हूँ मैं इसमें। तो अब यहाँ से ऑयल तो निकल ही रहा है सारा, ये काला हो ही जाता है क्योंकि डीजल का इंजन ऑयल है, डीजल गाड़ी का, कोई भी डीजल कार होगी उसका इंजन ऑयल काला ही रहेगा। तो यहाँ से सारा ड्रेन हो जाएगा। इसके ब्रेक पैड और ब्रेक ऑयल लेवल, जो भी सस्पेंशन में अगर कोई कमी होती है वो भी देख लेंगे, ब्रेक क्लीन वगैरह हो जाएगी, सारा कुछ सिस्टम इसका चेक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लगा देता हूँ, थोड़ा बहुत है वो तो निकलता ही रहेगा, बड़ी देर तक निकलेगा एक एक बूंद, इसको लगा देते हैं अभी, ठीक है। इसको मैंने लगा दिया, ठीक। तो अब इंजन ऑयल, अब इसका ये फ्यूल फिल्टर है, तो ये फ्यूल फिल्टर भी लगाएंगे हम इसमें, जो कि ओरिजिनल है। और ये लिक्विड मैली का इंजन ऑयल है, इसमें 4.5 लीटर के आसपास डालेंगे हम, 4.3 लीटर टूट ही, ठीक है। तो इससे ये जो ग्रेड है 5W40, ठीक है, तो इसमें हम इंजन ऑयल डालेंगे 4.3 लीटर। और ये फिल्टर लगा दिया मैंने, खुलेगा नहीं, ठीक। अब इसमें 4-5 बार हम ऑन ऑफ करेंगे तो डीजल आ जाएगा इसमें, चलो फिर फिल्टर हो जाएगा, तो हमें एयर निकालने की वजह वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने इसको एयर फिल्टर को लगा दिया सफाई करके बढ़िया से, ठीक है। और ये एसी फिल्टर है, तो एसी फिल्टर भी नया डालेंगे हम। 15,000 किलोमीटर पर सारी चीज़ें चेंज होती है ना, 12,000 किलोमीटर चल भी चुकी थी गाड़ी। तो अब इसका फिल्टर भी लगा दिया, तो इसके दो लॉक हैं, और ये इसमें हम यहाँ से दोनों साइड में खींच के लगा देंगे इसको, ठीक है। तो ये देखो लो आप, ये देख लो बैठ गए हैं, तो अभी इसके ब्रेक वगैरह चेक हो गए हैं, बारिश का समय है, बारिश आ गई, अब थोड़ा काम को जल्दी खींच के अब थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाएंगे हम, क्योंकि बारिश होने लगी।
फिर अगली किसी वीडियो में दिखा देंगे हम। हाँ ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से करता हूँ सर्विस रिसेट। कैसे करते हो? तीन बार तो इसको दबाया, वीडियो को लाइक इग्निशन ऑन कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। आ गया लिखा हुआ। हाँ ठीक है, ये अपनी एक साल वाली आ गई सर्विस में। ठीक है, बस इतना ही प्रोसेस है इसमें और कुछ करना नहीं है।